हेलो दोस्तों, तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैप हिंदी गेमिंग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप OBS ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी गेम प्ले या फिर अपनी नॉर्मल डेस्कटॉप स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जैसा कि आप OBS खोलेंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसा विंडो दिखेगा जो कि आपको अभी दिख रहा है, और उसमें आपको कुछ यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखेगा जहाँ तक मुझे याद है जैसा मैंने इसे इंस्टॉल किया था। और आपको यहाँ सेटिंग्स वगैरह के कुछ बटन मिलेंगे, तो शुरू में आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सीन क्रिएट करना होगा, तो मैंने पहले से ही दो सीन क्रिएट कर रखे हैं तो मैं इसे क्रिएट नहीं करूँगा। सीन क्रिएट करने के बाद आपको सोर्सेज में जाके इनमें से कुछ एक चुनना होगा आप जिसे रिकॉर्ड करना चाहते हो। जैसे आप गेम कैप्चर करना चाहते हो तो गेम कैप्चर पर सिलेक्ट कीजिए, या डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हो तो डिस्प्ले कैप्चर पर क्लिक कीजिए। और अगर आप गेम कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सी गेम कैप्चर करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ GTA 5 के लिए चुन रखा है, तो इसमें आपको सारे ये प्रोसेस देगा जो विंडो में चल रहे हैं, तो आप उनमें से अपनी गेम को चुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेटिंग्स के लिए। तो सेटिंग्स में आप जाकर कुछ नॉर्मल सेटिंग्स बदल सकते हैं। तो थीम आपको जो भी पसंद हो वो लगा दीजिए, डिफ़ॉल्ट या फिर डार्क, तो मैंने डार्क कर रखी है। और यहाँ पर आपको स्ट्रीम की फंक्शन मिल जाती है, आप कस्टम स्ट्रीमिंग सर्वर यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो यूट्यूब और यूट्यूब गेमिंग इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं कभी स्ट्रीम करता नहीं तो इसीलिए इसे मैंने सेट नहीं कर रखा है। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रीम की डाल सकते हैं और YouTube का सर्वर चुन सकते हैं, प्राइमरी या बैकअप। बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट आपको रखना है सिंपल। वीडियो बिटरेट आप रखिए 2500 और सॉफ्टवेयर इनकोडर आप X264 रखिए। ऑडियो बिटरेट 160 रखिए मिनिमम, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और बाकी आप इन्हें MP4 वगैरह या कुछ भी ऐसा चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स वगैरह। ऑडियो की बात करें तो इसमें 44.1 आप चुन लीजिए या फिर 48 भी आप चुन सकते हैं, मैंने 44 चुन रखा है। और चैनल टाइप आप स्टीरियो चुनिए। और स्पीकर के लिए आपको स्पीकर जो आपके हैं वो इनमें चुनने होंगे, तो मैंने वो स्पीकर चुन रखे हैं। अगर आप माइक यूज़ करते हैं तो आपको माइक चुनना होगा, अगर नहीं यूज़ करते तो माइक चुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो में बात करते हैं, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं दे रहा है इन्हें बदलने की, पर आप इन्हें चुन सकते हैं। इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं रेजोल्यूशन के, बेस कैनवास रेजोल्यूशन, और आउटपुट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डाउन स्केल फिल्टर को आप बाई लाइनर रखिए क्योंकि यही सबसे बढ़िया, और कॉमन FPS आप कम से कम 30 रखिए, आप चाहें तो इसे 60 पर भी सेट कर सकते हैं। हॉट कीज आप अपनी मर्जी से सेट कर लीजिए, मैंने F5 और F6 रख रखे हैं स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए। और एडवांस टैब में आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटिंग करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए ये स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। और अगर आपको स्ट्रीम करनी है तो सब कुछ सेटअप करके आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके स्ट्रीम शुरू कर सकते हैं। और अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, तो इसीलिए थैंक यू दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और ये वीडियो का आइडिया जाता है आदित्य वागे को, तो उन्हें भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।